कोर्ट कहाँ आती है? थैली में, मीटिंग हॉल के बाहर निकलने का, पढ़ने का, स्टेज पे जाने का, जय माई लाइफ स्टाइल, बाहर जाने का, कोट मोड़ने का, थैली में डालने का, चलिए कितना अच्छा बिजनेस है। तो सबके साथ यही होता है यार, रिलेशन जिन जिन लोगों ने बनाया यहाँ पे सब ऐसे ही लोग आते हैं यार, और ऐसी टीम बनती है, और ये रिलेशन का नतीजा है कि आज इतनी अच्छी टीम बनी है, और आज रिलेशन का नतीजा है कि आपके गुजरात में हमारी हारमोनी ग्रुप ने इतना बड़ा कारवा तैयार किया है, और आज गुजरात के नहीं, मुझे लगता है इस वेस्ट इंडिया के सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला ये ग्रुप है, हारमोनी ग्रुप। ये बिजनेस जो मैंने सीखा ये है जोड़ने का, तोड़ने का नो ईगो, ईगो मत आने दो। अभी हमारे हरीश सर की मैं बातें सुन रहा था, बहुत बेहतरीन सर ने बताया, आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन पैर कहाँ होने चाहिए? ईगो मत आने दो। लोग दो चार छह महीने काम करते हैं, दो चार साल काम करते हैं, और उनको ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और मैं दुनिया को जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं यार, आप ऐसे कोई बड़े इंसान नहीं बन गए। आपने 2-4 लाख कमा भी लिया या 2-4 करोड़ भी कमा लिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। और आज के जमाने में 2-4 करोड़ की क्या वैल्यू है? है कुछ वैल्यू? कुछ बड़ी वैल्यू नहीं यार। तो आप ईगो जिन लोगों ने लाया वो खत्म हो गए, प्लीज ईगो मत आने दो। और ईगो होता है, सबके अंदर होता है, सबको लगता है मेरे अंदर नहीं, इसका सबसे बड़ा ये पॉइंट है, सबको लगता है मेरे पास ही नहीं दुनिया के पास है, सबके पास है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज्यादा है, कोशिश करो जितना कम कर सकते हो अपने। इसको अच्छा लगता है, हाँ एक तो बिजनेस है जहां मुझे सम्मान मिल रहा है। और हमारे माइंड लाइफस्टाइल की खासियत बताऊं क्या है, हम लोग सम्मान देने के बहुत मास्टर हैं। जो टीसी बना होगा अच्छी तरह जानता होगा, कितने यहाँ टीसी है, टीसी एंड अबाउट लीडर्स, अरे वाह काफी टीसी बैठे यार। कैसे सम्मान हुआ था आपका, मजा आया था ना, कितना हार मिले थे, मिले थे ना, आसादी से भी ज्यादा ना, आज भी डीपी का फोटो वही होगा ना, हा कई बार तो उसको जूम करके देखते कितना अच्छा दिख रहा था। कई बार तो हम अपनी फैमिली को लाते, आज मेरा सम्मान है माई लाइफ स्टाइल में, पता है क्या मैं टीसी बन गया, माँ बाप बीबी बच्चे सब उसका सम्मान होता है, बहुत खुश होता है बेचारा। उसके घर वाले बोलते यार इसने क्या किया वे, आज तक मैं पागल था, अपने घर का सदस्य का सम्मान नहीं कर पाया, दुनिया इसकी इतनी इज्जत करती, बाप वे बाप, हम लोग इसको बहुत गाली दे। दाव है ना, कोई भाई है ना, कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। आज की दुनिया केवल एक ही भाषा समझती है, आपकी जेब की भाषा। अगर जेब में नोट है दुनिया सलाम करेगी, अगर नहीं है तो दुनिया छोड़ो, अपने घर में अपनी कीमत बिक जीवो, दुनिया तो छोड़ो। और मैंने वो दौर देखा मेरे लाइफ का जो बहुत ही मुश्किल भरे दिन थे, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा दुखी थे और ये सोचते थे लड़का किसी तरह से सुधर जाए, बार बार बोलते थे तू कुछ कर, अच्छा काम कर, ये सब मत कर, उठपटांग काम क्यों बिजनेस करता है, हमारे लिए बिजनेस नहीं बना, अच्छा खासा नौकरी कर ले कहीं। और मैं बोला था मैं नौकरी नहीं करूंगा। और बिजनेस करते करते ये हालत हो कि 8 साल हो गए एक रुपया कमा के दिया नहीं, माँ बाप बोले ठीक है तू कमाता नहीं चलेगा लेकिन दूसरे का क्यों लेता है। और मैंने इतने सारे झोलझाल किए थे, झोलझाल आप समझते होगे शायद, हाँ बहुत सारे उठपटांग काम किया। मैंने कोई बैंक ऐसी नहीं थी जहां से मैं लोन नहीं उठाया था, जहां पे मैं रहता था उसके आसपास, यानी ठाणे से मैं कुबला से लेकर भिवंडी तक मैंने बैंकों के लोन ले लिए थे। और बैंकों में क्या क्या सेटिंग चलती उस वक्त पता चला, हमारे जी के पटेल सब जानते भी होंगे, उस वक्त मालूम पड़ा लोन लेना, लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, मुश्किल तब नहीं होती है, जब देना होता है तब बड़ी मुश्किल होती है। बहुत लफड़े। दूसरा वीसी समझ दो, वीसी चलती है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यहाँ पे, वीसी बोलते, भाषा एक ही सब जगह। उसमें भी पैसे लगाए और पहला हाथ उठा लिया, बोली बोली समझ दो, बोली बोली ऑप्शन ऑप्शन, हाँ ऑप्शन। और मैं तो जो भाव में मिले उठा लेने का, लोग बोलते पागल इतना महंगा लिया, अरे पहले दे तो दे देगा बाद में सोचेंगे, मिले तो ये सारे ढोल किए। और ऐसे करके मैं खुद को सोच रहा था मैं बहुत होशियार हूं, बाद में पता चला मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि एक खड्डा बुझाने के चक्कर में 10 खड्डे, और मैं खुद को होशियार समझ रहा था।
और तब पता चला दुनिया भर के लोन के अंदर में डूबा हुआ इंसान। और उस वक्त घर के लोगों ने मुझे कहा, तू बहुत बड़ा इंसान है लेकिन तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। और मेरे पिताजी बहुत सज्जन आदमी, उन्होंने कभी लोन से 10 कदम दूर रहने वाले इंसान, और मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं लेने के मामले में, जिससे जो मिला 5% 10% उठाने लगा, क्योंकि लाइफ को बहुत मुश्किल हो गई थी जीना। और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, जो समझा मैंने किया, और फिर बाद में पता चला लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि वही समझ सकता है जो लोन लिया हुआ है, बड़ी अच्छी तरह समझ सकता है जो मांगने वाले कैसा पीछा करते। और जो मांगने वाले होते ना, ये बहुत खतरनाक होते, ये कभी भी आपके घर के पास आएंगे ना, अंदर आके नहीं मांगते, कहा मांगते हैं लोग, हाँ सब लियो लगता है, दरवाजे पे खड़े होके मांगते ना, और इतना जोर से चिल्ला के बोलेंगे ना, सबको सुनाई देता आजू बाजू वाले को। अब इनको ये लगता है जोर से मांगूंगा तो ये दे देगा। और मुझे तो घर क्या, मेरे तो पूरे मोहल्ले में पता था यादव का लड़का नालायक है। भाई जरा धीरे से बोल, अंदर बैठ के बात कर, नहीं तो मिलता नहीं है, दिखता नहीं, कहां रहता है बता। बोला और चिल्ला, चिल्लाने से मिल जाएगा, चिल्ला किसको बता, सबको पता अपन नालायक है, बोल तू। ये हालत थी उस वक्त, और लाइफ बड़ी मुश्किल होती है उस वक्त, बहुत मुश्किल। घर के लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था, लड़का कोई काम का नहीं, नालायक है। मेरे माँ बाप मुझसे दुखी, मेरी बीवी मुझसे दुखी, वो हमेशा बोलती थी पता नहीं मेरा नसीब खराब था, ऐसा इंसान मेरे गले में आ गया। और मेरी अरेंज मैरिज समझते होंगे आप लोग, अरेंज मैरिज में एक फायदा होता है, इल्जाम अपने ऊपर डायरेक्ट नहीं आता है। मैं बोला इनको अभी करनी थी ना, इनको अभी करते ना शादी से पहले, हाँ तो किया था तब, अच्छे खासे लगे थे हमको, तो डिटेल में इनको अभी करना चाहिए, ऊपर से तो सब अच्छा लगता है, आदमी डूबा हुआ है। और शादी भी मैंने प्रेशर में कर ली घर के वजह से, उनको लगा इसकी शादी कर देते सुधर जाएगा, और मैं बिगड़ा ही नहीं था, सुधरा तो पहले से था, बात अलग है पैसे नहीं तो क्या करूं। बहुत हालत खराब था। मेरे माँ बाप हमेशा मेरी वाइफ को बोलते सुधार सुधार तेरे पति को, सुधार उसको, कुछ अच्छे लाइन लगा उसको, क्या करता है समझता नहीं है, दुनिया भर के लोग इसको ढूंढते हुए आते। वो बोलती थी मैं क्या सुधारू, तुम्हारा आइटम तो पहले से गया हुआ है, मैं कहां से सुधारू, मैं तो खुद ही दुखी, मेरा नसीब खराब जो ये आ गया। और ऐसे झगड़े होते तो मैं एक चीज जानता हूं, जिनके घरों में इनकम नहीं आती है, पैसे नहीं आती है, उनके घरों में बिना बुलाए झगड़े आ जाते, बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। मेरे भी घर पे बहुत होता था झगड़े, कई बार मुझे भी गुस्से में माँ बाप बोलते थे तू नालायक है, किसी काम का नहीं, जा हमारे घर से निकल जा, मैं भी गुस्से में बोलता था जाता हूं, चले जाता था, दिन भर भटकता था, रात को वापस आता था, हाँ रात को कहां जाएंगे, तो बोलते सुबह तो बड़े गुस्से में गया था, हाँ तो सुबह वापस चले जाऊंगा, अपना तो काम ही यही था, सुबह कितना जल्दी निकलू, क्योंकि मांगने वाले आएंगे ना, और रात को आने का कोई ठिकाना, जितना लेट हो सके जाओ, मांगने वाले सब आके चले गए। और फिर घर पे जाने के बाद फिर चालू हो जाता था, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन शांति से खाना मिला हो, खाना तो मिलता ही नहीं, तो अपन वैसे बेशरम थे जबरदस्ती खा लेते थे, अब कमाने वाला नहीं उसको कौन खाना खिलाएगा, ये हालत थी। तब पता चला यार पैसे की कीमत क्या होती, सच बताता हूँ लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है ना, एक एक रुपये का इंपॉर्टेंट मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और बिना पैसे के लाइफ बहुत मुश्किल होती है। और ऐसे मुश्किल दौर से मैं गुजर रहा था उस वक्त में, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा राजेश से बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें जिंदगी बनती है। मैंने उनको पूछा आप कब से कर रहे हो, बोले 1 साल हो गया, बोला अच्छा हुआ मुझसे मिल लिए, बोले क्यों, मैं बोला अभी 1 ही साल हुआ, अभी ये बच जाओ, मैंने 5 साल किए कुछ नहीं मिला, नहीं बोले बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसा आता है, उन्होंने सब दिखाया मुझे अपना इनकम प्रूफ ये वो सब, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं था, मैं मानने को तैयार, अपना माइंड पहले से ही नेगेटिव, ये सब इनकम भी सेटिंग वाला ही होगा, क्या पता आता है कि नहीं आता है, माइंड तो ऐसा नेगेटिव ही सोचता है ना हमेशा, क्योंकि इंसान नेगेटिव है, तो हम भी वही नेगेटिव, उनको बहुत समझाए नहीं किया, उन्होंने मेरा बहुत फॉलोअप किया, आप लोग फॉलोअप करते हो ना, फॉलोअप करते हो या नहीं करते हो, उन्होंने भी मेरा बहुत फॉलोअप किया, 1-2 दिन नहीं, 2-2.5 साल
मुझे बताते रहे, मैं सुनने को तैयार नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती इसलिए हो गई कि बड़े अच्छे इंसान है। जब भी आते थे मुझे फोन करते थे, कहाँ हो, बस बोलो क्या काम है, आओ मिलते, मुझे पता है जाएगा अभी एक घंटा ये पकाएगा और गोल गोल बनाएगा। फिर भी जाते थे अपन, क्यों, अपने को तो टाइम पास करना था। और खास बात ये थी, जब भी मैं उनसे मिला, आज तक ऐसा एक दिन नहीं है उन्होंने मुझे चाय और नाश्ता नहीं कराया। मैं तो जाता ही इसीलिए था, ये कब बंद करेंगे, कब कुछ आएगा। सोचो कितना नेगेटिव इंसान ना मैं। और कई बार उन्होंने बोला, तू नहीं करता तेरे दोस्तों को तो बता। मैं बोला ठीक है, लाया दो चार लोगों को पकड़ के। अब उनको पहले ही बोल के लाया, देख एक बड़ा अच्छा इंसान है, एक घंटा लेकिन सुनना पड़ेगा, एक घंटा पकाता बहुत है, सुनना पड़ेगा। लेकिन एक घंटे के बाद जो खाने का ना बिंदास मंगाना, आदमी दिलदार है, और पार्टी अपने तरफ से आ जा, टेंशन मत ले। और वो किसी अच्छे होटल में ही रुकते थे, लोग मुझे जाके बोलते थे, पागल इधर लाया, पैसा है क्या तेरे पास, तू चिंता मत कर, वे चल तो अंदर। तो क्या समझता है यार, अपने को भले ही यहां मुंबई में कोई नहीं जानता, पूरी हिंदुस्तान जानती, पता है क्या, दूर दूर से लोग मिलने आते अपने को। और वो चेन्नई से आते थे, क्या बात करता है, तू उधर भी कुछ लिया है क्या, लिया नहीं है यार, अभी गया उसके पास, कोशिश किया लेकिन दिया नहीं उसने, बात अलग है। मिलाया सब, ये दो लोग आए मेरे दोस्त, बताओ इनको, तो उनको बताए बेचारे बड़े प्यार से दिल से, वो भी एक घंटा सब बताए समझाए, एक घंटे के बाद बोलते क्या करो, बोला सब कुछ चाय वाय, हाँ 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 ओके, ऑर्डर किए, खाए पिए, बाहे वाहे, बोले तू ये क्या नया चालू किया, बोला चालू नहीं किया यार, तुझे खिलाने के लिए लाया था, खा। तो तू नहीं कर रहा है क्या, पागल है क्या, ये सब काम करेंगे क्या अपन, ये तो अच्छा आदमी बेचारा पीछे पड़ता है, दो चार ला मैं लाता हूँ पकड़ के, तेरे को आज लाया, खाया ना, करना है कर, नहीं तो जा चल। ये सोच के आदमी, सोचो कितना नेगेटिव थिंकिंग थी ना, मैं भी बहुत नेगेटिव इंसान। और ये आपको झूठ लगता होगा, ये फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूं, जिस व्यक्ति ने कंडीशन डाली, सोचो, बोली क्या कंडीशन है, बोला कंडीशन एक ही है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होगा मैं पैसे कमाऊंगा। बोले फिर क्यों करना चाहता, नहीं आपको आ रहा है, सोचा मुझे भी आ जाएगा, ये विश्वास दिला। क्योंकि पता है ना क्या है ना, मैं बहुत बुरी तरह से मार खाया इंसान, मैंने जो भी काम आज तक किए ना, मैं कहीं से पैसे नहीं कमाया, कहीं से नहीं कमाया, डुबाया पैसे मैंने, और इस बिजनेस में कमाऊंगा ये विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, मुझे एक चीज की गारंटी दे दो आप कि इसमें से पैसा आएगा बस। बोले यार गारंटी है, यही तो इतने साल से तुझे बता रहा हूं, पैसा आएगा। मैं बोला सर वो गारंटी नहीं चाहिए, आप दोगे क्या ये बोलो। मैं बोलता हूं पैसा आता है तो बोलता है सिटिंग है, मैं जो भी बोलूंगा तो उसका अपोजिट बोलता है, और तेरा दिमाग बहुत चलता है। मैं बोला हाँ वो तो बात है सर, ये दिमाग की वजह से तो यहां खड़ा हूं मैं, ऐसे थोड़ी लोगों ने 25-26 लाख दे दिए मुझे। तो बोले यही गड़बड़ है तेरे अंदर, यही गड़बड़ है, तुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुझे ये बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो पहली कंडीशन क्या है, अपना दिमाग चलाना नहीं है। तैयार है क्या? बोला सर लेकिन पैसा आएगा क्या बोलो। बोले मैं बोल रहा हूं ना पैसा आएगा, बोला पक्का, फिर आप बोल दिए ना आज से दिमाग नहीं चलाऊंगा, लेकिन पैसा आना चाहिए। और बोले कितना चाहिए, बोला सर ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे कोई करोड़पति बनने का शो, एक डूबा हुआ आदमी क्या करोड़पति बनेगा यार, क्या उसके सपने थे, कोई सपना अपना नहीं था, अपना एक ही सपना था, ये कब्जे से बाहर आ जाऊं, घर पे जाऊं ना, शांति से सो सकूं, साले एक बेल भी बजा तो हाय कौन आया यार, वैसा नहीं चाहिए। घर पे गया तो माँ बाप की गाली, इसकी गाली, उसकी गाली, बीबी नाराज, सब दुखी है, वो नहीं चाहिए मुझे। बोले कितना चाहिए, बोला सर ज्यादा नहीं, 25-26 लाख का लोन है बस, वो खत्म हो जाए मैं सुखी इंसान हूं। बोले कब तक चाहिए, सच बताऊ जैसे ही पूछे ना मैं बहुत खुश हुआ, मैंने हाथ जोड़ के बोला प्रभु अभी दे दो, बहुत जरूरत है, सच में बहुत जरूरत है। बोले पागल है क्या, ऐसा थोड़ी कोई देता है। बोला आप ही तो पूछे कभी चाहिए, नहीं कब तक चाहिए मतलब थोड़ा समय देना पड़ेगा यार। बोला यार अभी तुझे बोला, तू दिमाग वापस तू चालू हो गया।
बोला सर देखो मुझे बहुत जरूरत है तो मैंने बता दिया अभी चाहिए, आप बताओ कितना समय लगेगा। बोले ऐसे नहीं होता है, 2-3 साल तो लगे। बोला 2-3 साल? बोले नहीं जल्दी भी आ जाएगा लेकिन 2 साल तो तू पकड़ के चल, 2 साल तक मैं जो बोलूंगा तुझे करना पड़ेगा, पैसा पक्का आएगा। मैं बोला एक चीज याद रखो, नहीं आया तो आपसे लूंगा। बोला हाँ मैं तो गारंटी दे रहा हूं ना, सच बताता हूं वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन से लेके आज तक 2004 में मैं उनको दोबारा जब मिला इस बिजनेस के लिए, और मैंने ये उनसे, उन्होंने ये कंडीशन रखी तू दिमाग नहीं चलाएगा, मैंने कंडीशन रखी मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने लीडर क्या होता है ये मैंने सीखा उनसे, लीडर वो होता है जो लोगों को विश्वास दे सके यार, वो लीडर होता है विश्वास दिला सके। इतने दुखी आदमी को, इतने नेगेटिव इंसान को उन्होंने विश्वास दिला दिया ये होगा, और मैंने उनकी बात माना, ठीक है सर आज से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। 2004 और 2017, सच बताता हूं मुझे पता ही नहीं मेरे पास दिमाग है या नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं किया ना, उसके पहले बहुत इस्तेमाल किया था। और जब इस्तेमाल किया तो देखो कब्जे में डूबा, और जब इस्तेमाल बंद किया तो कामयाबी पे कामयाबी मिलने लगी, और यही काम मैंने किया। उन्होंने जो बोला मैंने किया। इस बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस सीक्रेट जो मैंने सीखा हो ये, आपके जो सक्सेसफुल लीडर हैं, जो कामयाब लीडर हैं, वो जो बोले आपको आप उस पर ब्लाइंड फेथ कर लो। ब्लाइंड फेथ समझते हो ना, अंधविश्वास की तरह। मैंने वही किया। उन्होंने कहा ये दिन नहीं है रात है, मैं देख रहा हूं सूरज डूबा है, साला 44 डिग्री टेम्परेचर है, धूप बड़ी कड़क है, यस सर रात है, अपने को क्या पैसा दो, आप जो बोलो रात है। ओके मैंने मानी उनकी बात और जो बोले मैंने किया, और यही काम करना है। जिन जिन लोगों ने, मैंने ही नहीं हमारे सारे लीडर लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ये काम किया वो सब इस बिजनेस में लाखों करोड़ों कमा लिए, और जिन जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाए अब दिखते ही नहीं कहां है वो लोग, उल्टा है ये बिजनेस। बाकी बिजनेस में आप दिमाग लगाओ कामयाब हो जाओगे, लेकिन इस बिजनेस में जो लोग दिमाग लगाए वो सब नाकामयाब हो गए। अब आप क्या करना चाहोगे बताइए, दिमाग लगाना चाहोगे या नहीं लगाना चाहोगे? अपना दिमाग मत लगाओ, जो आपके लीडर्स बैठे ना ये जो बताएंगे वही फॉलो करो। मैंने वही किया और उसका नतीजा ये है, आज मेरी जिंदगी में मैं आया था केवल 25-26 लाख रुपए कमाने के लिए, अपनी लाइबिलिटी से बाहर आने के लिए। कई बार मुझे भी लोगों ने पूछा तेरी कंपनी डूब गई तो बंद हो गई, तो मैं बोलता था साला कुछ भी हो जाए 25 लाख कमाने तक तो बंद ही होने दूंगा। उसके बाद का अपने को पता नहीं, अपना गोल है इतना तो मैं लेके रहूंगा। विश्वास ये आ गया अंदर और गया लोगों के पास, बातें की। इस बिजनेस ही है, लोगों को मिलो बातें करो, लोगों को मिलो बातें करो, यही काम है बाकी कुछ नहीं है। और वो किया मैं उनके साथ वह के जो चीज अच्छी लगी वो भी किया, जो नहीं अच्छी लगती थी वो भी किया मैंने, और उसका नतीजा है इस बिजनेस ने मुझे बहुत सब कुछ दिया। और उस ग्रेट लीडर जिन्होंने मुझे इतने मेरी नेगेटिव बातों को झेलते हुए भी मुझे अपनाया, और मुझ जैसे नाकामयाब इंसान को उन्होंने ये विश्वास दिलाया तू भी जिंदगी में जीत सकता है, और आज मुझे, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। ऐसे मेरे ग्रेट 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 अपलाइन लीडर, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सब कुछ है। ऐसे ग्रेट हमारे फाउंडर लाडले, हमारे डायमंड लीडर श्री दयानंद सर जी को तहे दिल से वंदन करता हूँ, ग्रेट इंसान को। और इस बिजनेस ने मुझे पूरी मेरी दुनिया बदल दी, इस माय लाइफस्टाइल के बिजनेस ने। यही वो है, एक मंत्रा है माय लाइफस्टाइल का जो उन्होंने मुझे दिया, और मैं इसे लेके घर 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 घूमा, और उसके बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई।